भारत कांपने लगा, पाकिस्तान आजाद कश्मीर में मिसाइल नस्ब कर रहा है, लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर भारत और चीन के मबैन जारी सरहदी तनाव के दरमियान पाकिस्तान चीन की मदद से फिजाई मिसाइलों को आजाद कश्मीर बॉर्डर पर पहुंचा रहा है, भारतीय मीडिया का वावेला। भारत और चीन मशरकी लद्दाख में गुज़िश्ता 5 माह से तवील सरहदी तनाव में एक दूसरे के आमने सामने खड़े हैं। दोनों फ्रीकैन ने तनाव के हल के लिए सिफारती और फौजी मुज़ाकरात का सिलसिला जारी रखा, लेकिन इस तातुल को ख़त्म करने के लिए अभी कोई बड़ी पेशरफ्त नहीं हो सकी। भारतीय मीडिया का दावा है कि आज़ाद कश्मीर में चीनी फौज, पीपल लिबरेशन आर्मी और पाक फौज के दस्तों के जरिए ज़मीनी सतह से बुलंद मिसाइल दिफाई निज़ाम की तनसीब का काम कर रही है। तामीराती मुकाम पर लगभग 120 पाकिस्तानी फौज के जवान और 25 से 40 शहरी काम कर रहे हैं। मुबैना तौर पर इस सिस्टम के लिए कंट्रोल रूम को आज़ाद कश्मीर के बागदिल के इलाके में बनाया जा रहा है। कंट्रोल रूम में 3 अफसरान समेत चीनी फौज के 10 दस्ते मौजूद होंगे। आज़ाद कश्मीर ज़िला हिटियाबला के चिनार गांव और चकोटी गांव में भी इस तरह की तामीरात की जा रही हैं। भारतीय मीडिया का दावा है कि इससे कबल पीर के रोज़ एयर चीफ मार्शल KS भदौरिया ने कहा था कि हिंदुस्तानी फ़दाइया किसी भी ख़तरे से निमटने के लिए बहुत अच्छी तरह से पोजिशन में है और मुकम्मल तौर पर तैयार है। इसके अलावा सिक्योरिटी मंजरनामे पर भी भारतीय फ़दाइया ने पूरा गौर किया हुआ है कि तमाम मुतलका इलाकों में इंतहाई मजबूत तैनातियां कर दी गई हैं। इसके बाद भारत चीन की किसी भी पहले की जाने वाली स्ट्राइक का जवाब देने के लिए तैयार है।